नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। भैया जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन स्कीम, जहां पे आप अपने पैसे को कर सकते हैं बिल्कुल डबल। आइए तो लीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं किसान विकास पत्र के ऊपर एक वीडियो जो कि डिटेल रहेगा। सारी की सारी चीजें मैं आपको करके बताऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा, साथ में बेनिफिट बताऊंगा और इसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कितने दिनों के अंदर आपका पैसा डबल हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों अगर मैं बात करूं किसान विकास पत्र के बारे में तो सबसे पहले आपके मन में एक चीज आती होगी कि किसान विकास पत्र आखिर कौन लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इसका नाम है किसान विकास पत्र, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया में जाकर के। अब दोस्तों दस्तावेजों की जरूरत क्या है, आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सेविंग अकाउंट जरूर होना चाहिए आपका पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया के अंदर। अगर ये सारी की सारी चीजें जुटा लेते हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाते हैं किसान विकास पत्र के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितनी आप करेंगे, तो कम से कम 1000 रूपए की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। इसके साथ में मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं। और जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में दूसरी स्कीम्स के अंदर आपने देखा होगा भैया, वहां पे लिमिट होती है कि उससे ज्यादा पैसा आप वहां पे जमा नहीं करा सकते, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रूपये है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा अगर आप चाहें तो आप इसको जमा करा सकते हैं। अब दोस्तों बात निकल के आती है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है भैया वो 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि कंपाउंडेड रहता है। और यहाँ पे एवरी ईयर आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप चाहें तो अपने पैसे को पूरी तरीके से डबल कर सकते हैं। डबल करने में कितना टाइम लगेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान विकास पत्र का जो अकाउंट है वो किसी भी माइनर के नाम पे भी खोला जा सकता है। अगर किसी माइनर के नाम पे इस अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं आप तो माइनर के नाम पे भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जो की सबसे अच्छी बात लगती है। दोस्तों यहाँ पे किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से आप खरीद सकते हैं, इसके साथ साथ में इसके अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी और साथ में भैया अगर आपको जॉब के चलते बिजनेस के चलते एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है तो यहाँ पे आप अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी ले सकते हैं, जो फिर दोबारा से आप देख सकते हैं दोस्तों कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये अकाउंट ओपन करना है नहीं करना। आप डायरेक्टली आप इस अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर के। दोस्तों बात करेंगे इसकी मैच्योरिटी के बारे में, तो भैया यहाँ पे 9 साल 5 महीने की मैच्योरिटी है इसकी। 9 साल 5 महीने के अंदर आप अपने पैसे को कर लेंगे डबल। जैसे कि आप स्लाइड शो के अंदर देख रहे हैं, मैंने 1 लाख रुपया जमा किया था, वहां पे 9 साल 5 महीने के अंदर यानी कि तकरीबन 113 महीने के अंदर मेरा पैसा हो गया है डबल। इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 1 लाख रूपये का, 1 लाख रूपये जमा कराया था मैंने, टोटल मैच्योरिटी मेरी हो गई है 2 लाख रूपये की। इसी तरीके से दोस्तों मैंने 5 लाख रूपये स्लाइड में आपने जमा कराया और 5 लाख रूपये का इंटरेस्ट मिल गया और वहां पे आपके हो गए हैं पूरे के पूरे 10 लाख 13 एक साल। आप देख रहे हैं 113 महीने के अंदर आपका ये पैसा हो गया है डबल। इसी तरीके से दोस्तों अब अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप 9 साल 5 महीने के लिए नहीं रुक सकते, आपको पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो इसको 2.5 साल के बाद कभी भी क्लोज कराया जा सकता है 2% की फीस के साथ में। 2% की फीस है जो आप पोस्ट ऑफिस को देनी होगी और 2% की फीस के साथ में आप इसको कभी भी बंद करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किसान विकास पत्र को ज्वाइंट अकाउंट में नहीं खोला जा सकता। आप चाहे अलीगढ़ से हैं, चाहे आप प्रयागराज से हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं मुंबई से, बेंगलोर से, कहीं से भी आप हैं दोस्तों, इस अकाउंट को बड़े ही प्यार से खोल सकते हैं और अपने पैसे को कर सकते हैं डबल। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं है बताने के लिए, तो मैंने छोटा सा ही वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।